अश्वन वन परिक्षेत्र में पिछले लंबे समय से वनों की अवैध रूप से कटाई की जा रही है। जवाबदार अधिकारी या तो निष्क्रिय बने हुए हैं या फिर जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बार लकड़ी माफियाओं ने अपनी करतूतें छुपाने के लिए वनों को काटने के बाद वहां आग लगा दी ताकि सबूत हाथ नहीं लगे। वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वनों की कटाई वनों में आग की घटनाएं रोकने का नाम नहीं ले रही है। एसडीओ पुनासा क्षेत्र को लेकर गंभीर नहीं है। उक्त मामले को लेकर कहीं बाहर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई है लेकिन मेरे ध्यान देने को तैयार नहीं। पुनासा तहसील के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कोठी के जंगल गुंजारी बिलाया नर्मदा के किनारे लंबे समय से बहुमूल्य कीमती वृक्षों की वन माफियाओं द्वारा बेरहमी से कटाई की जा रही है। कई बार आग लगाकर मैदान कर वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर विभाग द्वारा मीडिया में खबर छपने के बाद महज खाना पूर्ति की गई। रात्रि में लगी आग बुझाने नगर परिषद ओंकारेश्वर का दमकल मौके पर पहुंचा। सोशल मीडिया पर खबर छपने के बाद वन विभाग हरकत में आया और आनन फानन में आग बुझाकर वरिष्ठ को समझाइश दी गई। मामले में हमारे संवाददाता ने नवगढ़ डीएफओ श्री शुक्ला को संपूर्ण घटना से अवगत कराते हुए क्षेत्र में हो रहे वन संपदा नष्ट को लेकर गंभीरता से कार्रवाई की मांग की। श्री शुक्ला ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र कार्रवाई कर दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप आधिकारिक रूप से कैमरे के सामने अपनी बात कहें तो कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं था। जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत या निष्क्रियता भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। दोपहर न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।